एप्पल के सीईओ टिम कुक के ट्वीट ने किया बवाल और हो रहा है एप्पल का बॉयकट। जानिए क्या है पूरा मामला। आज से दुनिया भर में रमजान की तैयारियां चल रही है और लोग एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दे रहे हैं। वहीं एप्पल के सीईओ टिम कुक का भी रमजान ट्वीट आया है। टिम कुक ने लिखा, सभी को रमजान के एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माह की बधाई। दुनिया भर के रोजेदारों को बहुत बहुत रमजान मुबारक। उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एप्पल का बॉयकट करना शुरू कर दिया, क्योंकि एप्पल के सीईओ ने मुसलमानों के रमजान के लिए ट्वीट किया था और बहुत से लोग एप्पल को इस्तेमाल ना करने की कसमें खाने लगे। तो वहीं कुछ लोग एप्पल को धमकी देते दिखाई दिए कि इंडिया में 80% आबादी हिंदुओं की है। टिम कुक के ट्वीट पर दिगंबर ए नागरकर नाम के यूजर रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, आपने ईस्टर को विश किया, रमजान के लिए ट्वीट किया। मैं सोचता हूं कि आपको रिकॉर्ड नए साल के सेलिब्रेशन के लिए भी रखना चाहिए, जो आज के पूरे दुनिया में हिंदुओं के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, और मैं आज से आईफोन यूज नहीं करूंगा। मजे की बात यह है कि इन्होंने ये ट्वीट एंड्रॉइड फोन से किया। मोहनदास नाम के यूजर लिखते हैं, हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे त्योहार है, आज बैसाखी, कल उगाड़ी, पोलिया बैसाख और विष्णु पूजा भी है, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ सर। रोहन सुले नाम के यूजर लिखते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे बाजार है, हिंदुस्तान में सिर्फ रमजान ही नहीं और भी बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें गुड़ी पड़वा, नवरात्रि और बैसाखी भी है। रुस्टिक नागरिक नाम की यूजर लिखती है कि अब इन लोगों को कौन समझाए कि अमेरिका में मुस्लिम्स की जो पहचान है वो मुस्लिम्स के तौर पर है, मगर हिंदुओं की पहचान अमेरिकन्स की तौर पर है, इसलिए वो विश नहीं करते। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि हर वायरल खबर जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।